परी आउ जांगु। बहुत बड़ जंगल रे गोटे छोट कुड़िया रे जांगो नामक व्यक्ति टिए रहुथला। जांगो दिन सारा जंगल रे घुरी बुलुथला, आउ भोक लागिले जंगल रे फल खाइ देउथला। केते बेले निज कुड़िया रे रुटी तयारी करुथला, आउ पेट भरा खाई सेइठारे सोई पडुथला। से निज एकाकी जीवन रे बहुत कष्ट सहुथला। आजि मो मोटा मोटा रुटी तयारी करबी, बहुत जोरे भोक लागुची, रुटी तयारी करकी सबु खाई जीवी। तापर जंगो रुटी तयारी करबाकु लागिला, आउ गणिकी रुटी रखिला। गोटे रुटी हेला गोटे, दीटा रुटी हेला दीटा, तीनटा रुटी हेला तीनटा। ता चुली पछरे थिबा गोटिए गातरु मुसाटिए बारंबार आसुथला, आउ से तयारी करथिबा प्रतिटि रुटी को नै जाउथला। एमिति भाबर जांगो 10टि रुटी तयारी कला, आउ बहुत खुशी होइ गला। एबे मु मन भरि कि सब रुटी खाइ जिबि, आउ पूरा दिनर फुर्सत मिलि जिवो। ठीक अछि, आउ डेरी काहे के करबि, जाय खाइ दिए। एबे जांगो रुटी खोजिबाकु लागिला, किंतु ताको गोटे भी रुटी मिलिला नै। से बहुत आश्चर्य आउ दुखित होइ पड़िला। अरे ए कोन हे गला, मो घर भितरे फिर रुटी रो चोरी, जांगो सहित पंगा, एमिति को चोर आसी गला। अरे से जादुई ब्रेसलेट पिंधी की मिस्टर इंडिया आसी गला नी तो। अरे मोर सब रुटी खाई गला। अरे सेठी ता गोटे रुटी रो छोटो टुकड़ा देखा जाउची, आउ से गातटा कोन, मो घर फिर से छोटो सुडंग। अरे से गात भितर तो गोटी कोटरु कोटरु शब्द सुना जाउची, लागुची से गात भितर पार्टी चलीची। अरे मोर रुटी खाई पार्टी करथुबा चोर बाहर कु बाहर। एमिति भाबरे जांगो किछि समय अपेक्षा कला, आउ से गात भितर मुसाटिए बाहर कु बाहरिला। अरे अरे ताहले चोर एई मुसा, ए मुसाटा ताहले मो रोटी चोरी करिछि, एबे जाउछि से मुसा को धरिबी। जांगो गोटिए डियारे मुसा को धरिबा को दौड़िला, किंतु मुसा भी दौड़िबा को लागिला। एबे जांगो मुसा को धरि न पारि बसी पड़िला। सेपटे तार पेट खाली थिला, आउ मुंडा भी खाली थिला। एबे से घरु बाहर को चली आसिला, आउ पड़िथिबा किछि पुरणा फळ खाइबाकु लागिला। मन दुखरे गोटिए गछ मूळरे बसी पड़िला। जास्मिन परीर नजर जांगो उपरे पड़िला। से गोटे साधारण स्त्री लोकरे बेश बदलाई ता पाखकु गला। जांगो कोन हैला, तमे एमिति व्यस्त देखा जाउछ। मु भोकरे अस्त व्यस्त होई पड़िछि, मोर सब रुटी से मूसा खाइ गला, मोर सब परिश्रम वृथा होई गला। घरे जेतिकि अटा थिला सबुर रुटी करि देली, किंतु भगवान सब रुटी को से मूसा को दे देले। आउ जदि तमे पचारु छ ताहेले मो लागि खाद्यर व्यवस्था टिके करि दियो, जदि टिके बासी खाद्य मिल जिवो ताहेले भी चलिबो। अरे तुमको बासी खाद्य काहे कि मिलिबो, तमको ताजा ताजा खाद्य देबी। मो ना जास्मिन, आउ मु तुमको खाद्य खुआइबी, एई नियो तुम खाद्य आसी गला। खाद्य थाली पूरा भरपूर अछि, चलिबो त? अरे जास्मिन जी चलिबो कोन कहू छ, दौड़िबो। जाए जाए मु आगो खाई दिए, तापर जाए मोर वचन बाहरिबो। जांगो एपरि स्वादिष्ट खाद्य देखि बहुत जल्दी जल्दी खाइबारे लागिला, आउ देखु देखु सबु खाद्य शेष करि देला। जांगो एबे कुह, तमे एकुटिया एठा को केमिथि आसिलो, एठारे तो आखो पाखरे केही भी रहुनांति। देखो मते जेति कि मने अछि, मु छुआरु ही अनाथ। प्रथमे त मु गारे जेउ घरे रहुथिली, मते बहुत कष्ट सहिबाकु पडुथला, मते सेठारे बहुत परिश्रम पडुथला, आउ ता बदल रे बहुत माड़ गाली मिलुथला। आउ से घरर जेतिकी बासी खाद्य सब मो भागरे पडुथला। सेठारे आउ कष्ट सहि न पारी मु दिने दौड़ी दौड़ी जंगल रे आसी पहुँचिली। ए जंगल रे जणे साधु महात्मा रहुथिले, आउ मु से साधुक सहित रहिबाकु लागिली। गोटिए दिन साधु एठारु चली गले, तापरे मु एकुटिया होइ गली, आउ एबे त एकुटिया रहिबार अभ्यास होइ जाइछि। केबे केबे पक्षी मानक सहित आउ जंगली जंतु मानक सहित कथा हेई जाए। जांगो देख, मु तुमको भल खेतटिए देबी, आउ तुमको चासबास करि सेठारे भल फसल अमल करिवार अछि, आउ से फसल रे तुम खाद्यर बंदोबस्त मध्य होई जिवो। तुमको कर्म त करिवाकु पड़िबो, जदि कर्म करिवो ताहेले फल निश्चित मिलिबो। तापरि जास्मिन परि जांगो लागि गोटिए खेतर बंदोबस्त करि देला। जांगो भल भाबरे चासबास करिवाकु लागिला, ता खेतरे भल फसल मध्य अमल हेला। एते सुंदर फसल को देखी जांगो खुशी रे झूमिबाकु लागिला। ठीक सेतिक बेले जंगल रे रहतबा किछि हाथी पलो ता खेत पाख को आसी पहुंचिले, आउ ता खेत को नष्ट विनष्ट करिवारे लागिले। जांगो निजर फसल ध्वंस होतबार देखी दुखित होई पड़िला। से समय रे जास्मिन परी सेठारे आसी पहुंचिला। जास्मिन तुमे मोर बहुत सहाय्य करथिलो, मु परिश्रम करि भल फसल मध्य अमल करथिली, किंतु ए हाथी पलो मोर सब फसल को नष्ट करि देले, एबे तो मो पाखरे आउ किछि भी बंचिलानी। जांगो तुमे व्यस्त हुओ नाही, सब किछि ठीक हेइ जिवो, किंतु तुमको ता पई काली पर्यंत अपेक्षा करबाकू पड़िवो। काली सकाळु किछि नुआ हबाकू जाउची।
ତାପର ଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜାଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ନିଜ କ୍ଷେତ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ କ୍ଷେତକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ତା ପୁରା କ୍ଷେତର ଫସଲ ପୂର୍ବ ପରି ଲହରାଉଥିଲା, ଲାଗୁଥିଲା ତା କ୍ଷେତ ଯେମିତି କିଛି ବି ହେଇନି। ଜାଙ୍ଗ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ତା ସାମ୍ନାରେ ହାତୀପଲ ଆସୁଥିଲେ। ଜାଙ୍ଗ ଏସବୁ ଦେଖି ପୁରାପୁରି ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ, ହାତୀପଲ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ପରି ହଠାତ୍ ପ୍ରକଟ ହେଲା। ସବୁ ହାତୀପଲ ପୁଣି ଫେରିଗଲେ, ଆଉ ଜାଙ୍ଗର କ୍ଷେତ ଚାରିପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏବେ ଜାଙ୍ଗ ଜାସ୍ମିନ୍କୁ ପରିବେଶରେ ଦେଖିନେଲା। ପରିରାଣୀ, ତୁମେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଷ୍ଟ ଦୂର କରିଦେଇଛ। ଏବେ ମୁଁ ଆହୁରି ପରିଶ୍ରମ କରିବି, ଆଉ କାହାରିକୁ ବି ଡରିବିନି। ତୁମେ ବହୁତ ଦୟାଳୁ ଆଉ ପରୋପକାରୀ ଅଟ। ମୁଁ ତ କହିବି ତୁମରି କୃପାରୁ ମୋ ଜୀବନ ସଫଳ ହୋଇଛି। ସେଦିନଠାରୁ ଜାଙ୍ଗ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଜାସ୍ମିନ୍ ପରି ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ତା ସାଥ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା।